इंडियन क्रिकेट टीम जो बैटिंग का पावर हाउस माना जाता है सिंस द डेज ऑफ सुनील गावस्कर, लेकिन फिर भी नंबर चार की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही थी। और अभी भी अगर आप बात की जाए तो बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को उस पर्टिकुलर उस रोल के लिए ट्राई आउट कर चुके हैं, चाहे केएल राहुल हो, मनीष पांडे हो, अमृति रायडू को बहुत लगातार मौका मिला था। लेकिन फाइनली एमएसके प्रसाद का बयान आया है, जो चीफ सेलेक्टर, उन्होंने कहा है कि श्रेयस अय्यर फाइनली हमको एक विकल्प मिल चुका है, जो T20I में और दोनों ODI स्क्वाड में फिट बैठते हैं, इतने इवॉल्व, इतने मैच्योर हो चुके हैं कि अब उनको किसी भी विपक्षी के सामने, किसी भी, चाहे आप किसी भी लम्हे पे या किसी भी जो प्रेशर मोमेंट पे उतार दीजिए, वो कसौटी पे खड़े उतरेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मनोज, सर सर से जाना चाहेंगे, क्या आपको लगता है सर इस बात से सहमत है आपकी, श्रेयस अय्यर इज द की टू इंडियन क्रिकेट टीम? देखिए, बहुत ज़्यादा विकल्प आपके पास है नहीं, जिनको विकल्पों को आपने आजमाया, ट्राई किया, वो कसौटी पर खड़े नहीं उतर पाए। अब उनको कितने आप अवसर देंगे? आप देखिए, नंबर पाँच पर इनको खिलाया अभी पीछे वनडे में जी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। T20 में नंबर चार पर इनको अवसर मिला, उसमें ये कसौटी पर पूरी तरह से खड़े उतरे। बांग्लादेश के खिलाफ भी इन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट भी उनकी पारी बेहतरीन थी। तो मतलब मैं कुल मिलाकर ये कहूँगा कि नंबर चार की जो गुत्थी वाली कोई बात नहीं है, नंबर चार बिल्कुल इनके लिए फिक्स कर देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा प्लेयर जो आपका स्ट्राइक रोटेट करने के अलावा आक्रामक शॉट भी खेल सकता हो, आक्रामक शॉट भी खेल सकता हो, और आईपीएल, पिछला आईपीएल जो है, उन्होंने बहुत रन बनाए थे। लेकिन मुझे थोड़ी सी शिकायत इनसे यही थी कि जैसी इनकी बैटिंग है, स्ट्राइक रेट इनका वैसा नहीं था। बिल्कुल, 119 के आसपास अगर आपका स्ट्राइक रेट है तो वो बहुत अच्छा T20 के हिसाब से नहीं माना जा सकता। बिल्कुल, इंटरनेशनल क्रिकेट में तो आप देखिए, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनके जो स्ट्राइक रेट है वही 180 तक पहुंच जाते हैं, 190 तक पहुंच जाते हैं जी। लेकिन अब जिस तरह से, सबसे अच्छी बात जो मुझे इनकी लगती है, इनमें बहुत ज़्यादा एडेप्टेबिलिटी है खेल में, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सीबिलिटी भी है, क्योंकि आप इनको अभी पंजाब के अगेंस्ट खेल रहे थे, मुझे याद है जी, 40 गेंदों पर 80 रन बनाए इन्होंने, और बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी इन्होंने की, और नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल, सूर्य कुमार यादव नंबर चार पर आए थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसा खिलाड़ी जो नंबर तीन पर भी खेल सकता हो, चार पर भी खेल सकता हो, और जरूरत पड़ने पर नंबर पांच पर भी खेल सकता हो, और तीनों पोजीशन पर उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। बिल्कुल, और सर बेस्ट पार्ट ये कि जैसे आपने बताया, बहुत अडेप्टेबल है, बहुत वर्सेटाइल है, क्योंकि अगर आपको पारी बिल्डअप करनी है तो सिंगल सिंगल लेते हैं, कभी स्ट्राइक रोटेट करते हैं, वहीं अगर आक्रामक शॉट्स की अगर जरूरत है तो फिर टावरिंग शॉट्स लगाना जानते हैं, स्पिनर्स और फास्ट बॉलर दोनों के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन यही बात रही अगर आईपीएल की स्ट्राइक रेट की, तो 463 रन लास्ट सीजन बनाए थे, लेकिन 119 का स्ट्राइक रेट कहीं ना कहीं लगता है कि T20 के लिहाज से इतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर ODI की बात की जाए तो आपके हिसाब से लगता है कि फाइनली अब एक मौका, मतलब एक टाइम आ चुका है, वक्त आ चुका है कि उनको लगातार बैक किया जाए, ऋषभ पंत को लगातार बैक किया जा रहा है? बिल्कुल करना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। और वो इस तरह के भी प्लेयर नहीं है कि जो हड़बड़ाहट में खेले, exactly. जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ वो उनको टिकना भी आता है, डिफेंस करना भी आता है, और जहाँ आक्रामक शॉट खेलने हैं वो आक्रामक शॉट भी खेलते हैं, और आक्रामक शॉट क्योंकि T20 क्रिकेट की जरूरत है जी, उसको वो फुलफिल करते हैं, वहाँ तो टीम की जरूरत है ही है वो। बिल्कुल, और यहाँ पर भी आप देखिए, नंबर चार पे आपके पास कौन बचता है? नंबर दो ओपनर्स, हाँ, अगर आपने KL राहुल के प्रति कुछ ज्यादा विश्वास जताया, दो ओपनर्स हैं आपके, और एक KL राहुल को नंबर तीन पे उतारा जी, और नंबर चार पर विराट को उतारा, और तो फिर इनकी नंबर जगह जो है पांचवें पे बनती है। बिल्कुल, लेकिन इसकी संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि KL राहुल खेलेंगे तो ओपनर खेलेंगे जी, नंबर तीन पे अगर उनको उतारना कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली मुझे बहुत अच्छा मूव नहीं लगता जी। और ये जो आपने सिनेरियो बताया, तब मगर मुमकिन होगा जब KL राहुल के साथ साथ शिखर धवन और रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे, तभी उनकी नंबर तीन पर जगह मिलती। लेकिन सर अगर बात की जाए, चलिए ODI में उन्होंने अपनी जो कहते हैं ना सील कर ली अपनी सीट, लेकिन अगर T20 की बात की जाए तो और बेहतर विकल्प है हमारे पास, सूर्य कुमार यादव हो गए जो लगातार इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या कोई और ऐसा गेंदबाज जो जैसे कहते हैं ना एक एक्स फैक्टर प्लेयर, एक मैच विनर चाहिए हमें? आपने सूर्य कुमार यादव का नाम लिया जी, अभी पंजाब के अगेंस्ट जो मैच था, बिल्कुल उसमें ऐसा लग रहा था कि कुमार यादव और श्रेयस अय्यर कंपटीशन चल रहा है, होड़ लगी हुई है, कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन कितना तेज खेलेगा, किसका स्ट्राइक रेट अच्छा होगा। बिल्कुल, आखिरकार सूर्य कुमार यादव का कुछ और बेहतर रहा, हाँ। क्योंकि 80-80 गेंदे, 80-80 रन दोनों ने बनाए, लेकिन एक नॉट आउट जी, एक नॉट आउट वाली बात तो है ही है, और ज्यादा रन लेकिन सूर्य कुमार यादव के थे, नहीं रन तो मेरे ख्याल से 80-80 के आसपास ही थे शायद जी, बिल्कुल एक आउट हो गए थे, हाँ, गेंदे कम थी, गेंदे हाँ, उन्होंने 35 गेंदे खेली थी और इन्होंने 40 गेंदे खेली, बिल्कुल कुल जमा। मतलब ये है कि अगर आपके पास डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं, वो भी दस्तक दे रहे हैं दरवाजे पर, तो उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए, और ये यही वक्त है कि आपको वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो है या एक दो सीरीज में आप अजमा लें, उसके बाद आपको टीम फाइनल कर देनी चाहिए। और जैसा कि कहा भी है इन्होंने, रवि शास्त्री ने, कि जो वर्ल्ड कप, जो IPL होने वाला है, उसके बाद ये 17 खिलाड़ी एकदम फाइनल कर लेंगे,
उसी में से टीम हम चुनेंगे कि कौन से 15 खिलाड़ी वर्ल्ड कप में खेले। बिल्कुल, और बहुत ही क्रूशियल होने वाला है आईपीएल, क्योंकि आपको याद होगा जब बचपन में बोर्ड्स के एग्जाम देते थे उससे पहले एक प्री बोर्ड होता था। तो अगर जो बोर्ड का एग्जाम जो आईसीसी वर्ल्ड कप होने वाला है 2020 का जो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा उससे पहले मार्च अप्रैल में खेला जाएगा आईपीएल, वहां पर प्री बोर्ड की परीक्षा देनी पड़ेगी जितने भी इंडियन कंटेंडर्स हैं जिनको अपनी जगह बनानी है अपने स्क्वाड में, टी20 स्क्वाड में। तो इधर हमारा करंट अपडेट एमएसके प्रसाद को बयान को लेकर, जिन्होंने कहा कि श्रेयस अय्यर इतने मैच्योर फाइनली हो चुके हैं कि उनको लगातार मौके दिए जाने चाहिए चौथे नंबर पर बैट करने के लिए। लेकिन आप अपनी राय से जरूर अवगत कराइए, आपके हिसाब से कौन बेहतर विकल्प है या कौन श्रेयस अय्यर से उनको एज आउट कर देता है इवेंचुअली अगर नंबर 4 की बात की जाए। जुड़े रहिए इंडियन स्पोर्ट्स के साथ, तमाम स्पोर्ट्स अपडेट आपको यहीं से मिलेंगे। थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।